तो अभी जो है हम जीपी वाले ऑफिस से आ रखे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो है आजकल बहुत ज्यादा होल लगी हुई है, साथ में सरकार का भी नियम है कि आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाएं, साथ में कंपनियां भी जो है, जो भी कंपनी है सब चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो भी डिलीवरी बॉय है वो चलाए। इसमें आता है एक जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसमें मैं खुद अभी जो है दिलाया हूं, और इसको दिलाने में जो है मुझे 3 दिन का टाइम लग गया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसको दिलाना कैसे है, कौन मैंने सब अपने अपने दिनों में हम गए। सबसे पहला दिन गए हम शायद 3 बजे वहां पे पहुंचे, 3 PM, तो वहां पे भाई सब अपने अपने दुनिया में मगन है, सब अपने में मस्त है। भाई तुम्हारा टीएल कौन है? भाई स्विगी कैसे ज्वाइनिंग हुआ? तुम्हारा टीएल कौन है? भाई टीएल कौन है? तो हमें जो है सारे प्रोसेस को समझने में जो है 3रे दिन जाकर के जो है हम गाड़ी को जो है दिला पाए। अब देखिए हम शॉर्टकट में इसको बताते हैं क्योंकि हम अपने जो भी जानकारी लिए हैं वो आपको हम शेयर करते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है और आपको 8 बजे तक जो है जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो भी हब है वहां पे पहुंच जाना है। जाने के बाद जो है आप अपना नंबर लगा लीजिएगा क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे लड़के आते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं, भाई तुम्हारे पीछे मैं हूं, ऐसे लगा लीजिएगा। साथ में वहां पे जो है आपको 10 बजे से जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का प्रोसेस चालू होता है, 10:30 बज जाता है, तो उतना देर में जो है आप काफी लोगों से बातचीत कर सकते हैं कि भाई किस कंपनी में जो है कौन सी गाड़ी मिल रही है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा बातचीत करने का। साथ में जो भी कंपनियां हैं सबका जो है अलग अलग टीएल है, जैसे आपको जो है स्विगी में ज्वाइनिंग करना है तो अलग टीएल है, जोमेटो में ज्वाइनिंग करना है तो अलग टीएल है, उबर एप में ज्वाइनिंग करना है तो अलग टीएल है, ब्लिंकिट में ज्वाइनिंग करना है तो अलग टीएल है। तो सबका जो टीएल है वो अलग है, वो जो है 8 बजे तक जो है आपके हब तक आ जाते हैं लड़कों को ज्वाइनिंग करने के लिए। उनका कोई ड्रेस नहीं होता, ऐसे नॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी लड़के से बातचीत किया है उसमें से आपको पता चल जाएगा कि जोमेटो का कौन ज्वाइनिंग कर रहा है, उबर का कौन ज्वाइनिंग कर रहा है। आपको जिस भी कंपनी में ज्वाइनिंग करना है उस टीएल से जाके आपको मिलना है और बोलना है कि सर मुझे जो है जोमेटो में काम करना है या उबर में काम करना है, ओके। तो वो जो है एक फॉर्म देंगे, फॉर्म में जो है जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी का कुछ कंडीशन लिखा हुआ रहता है, उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीज डालना होता है, आपका एड्रेस डालना होता है, साथ में 4 जो भी आपके रिश्तेदार हैं 4 लोगों का नाम नंबर सारी चीज डालना होता है। डालने के बाद जो है आपका 10 बजे जब गेट खुलेगा तो वहां पे जो है सबका पेपर में नाम लिखाता है बारी बारी से, जो भी जितने नंबर पे आए हैं सबका, फिर नाम बुलाया जाता है। नाम बुलाने के बाद जो है सबको गाड़ी दिया जाता है। अब आती है बात कि हम गाड़ी कौन सा लें। तो देखिए उबर और रैपिडो के लिए थोड़ा सा जो है हैवी गाड़ी मिलती है जिसमें स्वैप वाली गाड़ी दिया जाता है, बैटरी निकाल के डालने वाला, वो अच्छा होता है। साथ में जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो है चार्ज वाली बैटरी मतलब स्कूटी दिया जाता है जो आप घर में चार्ज कर सकते हैं, जिसमें सिंगल बैटरी का भी होता है, डबल बैटरी का भी होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जो है स्वैप वाली गाड़ी मिले, साथ में उसका कंडीशन जो है काफी अच्छा होता है, साथ में एक चीज है कि मजबूत भी होती है गाड़ी, और जो बैटरी का स्टेशन है काफी जगह खोली हुई है तो आप कहीं भी उसको इजिली बैटरी निकाल के डाल सकते हैं। क्योंकि जोमेटो स्विगी का जो है वो गाड़ी हल्की सी लंबी होती है और बैटरी वाली चार्ज करने वाली होती है, तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का वो लगा। अब आती है जब आपको गाड़ी मिलेगा तो वहां पे जो है आप गाड़ी का सारा प्रोसेस जो है देख लीजिएगा, चला के देख लीजिएगा, साथ में वीडियो बना लीजिएगा ताकि आप जब भी काम छोड़े, मैंने क्या होता है कि हम भाई 10 दिन के लिए गांव जा रहे हैं तो आपको जो है गाड़ी वापस करवाना पड़ेगा, जाकर के जमा करवाना पड़ेगा, नहीं अगर जमा करवाइएगा तो आपको जो है 200 रुपए के हिसाब से जो है आपका रेंट चलता रहेगा प्रत्येक दिन। गाड़ी आपको मिलने के बाद जो है वहां पे जो है कुछ फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ फोटो वोटो खींचा जाता है, साथ में अगर आप जोमेटो वोमेटो में काम कर रहे हैं तो आपको जो है एक जीप इलेक्ट्रिक का जो है आपको टी शर्ट मिलेगा, साथ में एक हेलमेट मिलेगा। अगर आप रैपिडो और उबर में काम कर रहे हैं तो आपको 2 हेलमेट और टी शर्ट मिलेगा। स्कूटी लेकर बाहर आ रहे आप सारा चीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में जो आपको शुरुआत में जो बंदा मतलब जो टीएल मिला था
वही जो है जीपे का जो ऐप होता है डाउनलोड करके वहां पे जो है केवाईसी ऐसा होता है, सारी चीज करवा देते हैं। अब आती है बात कि पैसा कितना लगता है। देखिए सारे चीज का जो है पैसा अलग अलग लगता है। जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, तो इनका पैसा अलग लगता है, शायद 1000 रुपया या 1500 रुपया लगता है। लेकिन हम जो है उबर में ज्वाइनिंग करवाए थे तो उबर का जो है 3010 रुपया लगा था, जो वॉलेट में जमा करना पड़ा था सिक्योरिटी के तौर पे, मतलब स्कूटी का। अब 200 रुपये इसका डेली का रेंट है। अभी है कि हमारा जो है पैसा किस हिसाब से मिलेगा और किस हिसाब से पैसा कट। देखिए उबर का जो प्रोसेस था इसमें क्या था कि अगर आप 10 दिन के अंदर, अभी जो दिल्ली में चल रहा है और मैं जो गाड़ी परचेस किया था ये मुंडिका से परचेस किया था, तो इसका भी जो फैसिलिटी दिया है कि अगर आप 10 दिन के अंदर 5000+ का इनकम कर लेते हैं तो आपका जो है 450 रुपया 10 दिन में माइनस होगा गाड़ी का रेंट के हिसाब से। अगर आप 5000 से नीचे का काम करते हैं तो आपका 2000 रुपया जो है कट जाएगा। वो डायरेक्ट जो है जो भी आप जीपे ऐप में जो है आप बैंक ऐड किए हैं वहां से वो माइनस कर लेगा। अगर उसमें पैसा नहीं रहेगा तो आपके वॉलेट में माइनस वो डाल देगा। ठीक, अगर आपका फिर भी आप सोचते हैं कि भाई हम पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर आपका जो गाड़ी है वो जो भी वो बताए कि आपका गाड़ी जो है आपके लोकेशन से उठा लिया जाएगा। ठीक है, अब आती है कि अगर हम किसी और ऐप के द्वारा, जैसे हम वहां से बस स्कूटी ले लिए, अब हम जोमेटो में काम नहीं कर रहे हैं, हम करें मतलब अब हम उबर में काम नहीं कर रहे, हम जोमेटो में काम करेंगे, तो आपका 200 रुपया प्रत्येक दिन का रेंट लगेगा, मतलब 10 दिन में आपका 2000 रुपया कटेगा। अगर आप मतलब जिस कंपनी के द्वारा आप लगे हैं, जो बताया गया जिस कंपनी के द्वारा आप लगे, जैसे आप वहां से स्कूटी निकाले, वहां से बोले कि मैं उबर में काम करना चाहता हूं और उसके द्वारा जो है आपको जो है उबर का आईडी बन के मिला है, तो उबर में अगर आप 5 मतलब 10 दिन में जो है अगर आप 5000+ का काम करते हैं तो 450 रुपये रेंट लगेगा। अगर आप नीचे का काम करता है तो आपका 2000 रुपया लगेगा, मतलब एक दिन का 200 रुपया लगेगा। ये था सारा प्रोसेस। और आईडी जो है मैंने वहां से जब आइएगा तो आपको जो है शाम तक भी आईडी पासवर्ड मिल सकता है उबर का। और सारे कंपनी को ज्वाइन का जो है देखिए टाइम अलग अलग होता है। जोमेटो का शायद एक दिन लगता है, रैप्टो का जो है 10 मिनट में आईडी चालू हो जाती है। तो सारे कंपनियों का प्रोसेस अलग है कितने देर में आईडी चालू होता है। अब वहां से स्कूटी लेकर के आए, आने के बाद अगले दिन से जो है आपका रेंट स्टार्ट हो गया। और आगे का जो भी प्रोसेस है, मैंने जीप ऐप का काम करने का, जो बंदा काम कर रहा है, जिसको मैं दिलाया था, क्या प्रोसेस है, वो सारे जो है आगे के वीडियो में कोशिश करूंगा आप सबको मैं बताऊं। लेकिन अगर आप सब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं तो यही इसका प्रोसेस है। आपको जो है इस तरीके से आपको स्कूटी मिलेगा। आप कोई भी टीएल अभी मत ढूंढिए, 8 बजे पहुंच जाइए अपने लोकेशन पे। साथ में एक चीज और कर देता हूँ, मुंडिका का जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से डायरेक्ट क्लिक करके लोकेशन देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाकर के मुझे ढूंढने में जो है आपका टाइम लग गया था, आप सबको ना लगे। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है सबको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है लौंडा? ये आ गया भाई।